हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको लास्ट वीडियो जो फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर हमने अपलोड करी थी आपको समझ में आ गई होगी। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी आपके जो डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डाल सकते हैं, मैं उसको उसी टाइम आपके डाउट क्लियर करूँगी। आज हम करने वाले हैं सारे आपके सी बी एस ई के प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ उस वीडियो को आप आराम से देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस। ओके, पहला क्वेश्चन है पेपावीर एंड माइकिलिया बोथ हैव मल्टीकार्पलरी ओवरीज, हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। ओके, स्टार्ट करें। आ जाओ बच्चों, मल्टीकार्पलरी का मतलब क्या होता है? मल्टी मीन्स मैनी, कार्पल्स, मैनी कार्पल्स होते हैं इसमें। कार्पल मीन्स योर फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे कार्पल्स होंगे, ठीक है। हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, मैंने आपको बताया था उस वीडियो में भी, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब बहुत सारे जने होते हैं तो वो एक साथ मिलके रहते हैं या न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, राइट। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि वो एक साथ रहेंगे, यूनाइटेड एज सिनकापस, और अगर फ्री रहेंगे, न्यूक्लियर रहेंगे, दैट वुड बी एपोकार्पस। तो दो बोथ दिस प्लांट स्पीशीज हैव मल्टीकार्पलरी ओवरी बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बिकॉज पेपावीर में आपकी कौन सी है? सिनकापस ओवरी प्रेजेंट है, एंड माइकिलिया में आपकी एपोकार्पस प्रेजेंट है। अगर आप ये एनसीईआरटी बुक में देखना चाहें तो इसका डायग्राम गिवन है। फीमेल गैमेटोफाइट के जिस भी पोर्शन पे आप आएंगे तो वहां पर जो डायग्राम गिवन है उसमें ये चीज आपकी मेंशन्ड है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ओव्यूल्स आर लाइकली टू फॉर्म फ्रॉम 25 मेगा स्पोर मदर सेल। 25 मेगा स्पोर मदर सेल, हमने क्या देखा था कि एक मेगा स्पोर मदर सेल आपके 4 मेगा स्पोर्स बनाते थे, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ विच डिवीजन? मियोसिस। लेकिन इस 4 में से 3 क्या हो जाते थे? डिसइंटीग्रेट, और एक आपका फंक्शनल रहता था। एक ही आपका क्या रहता था? फंक्शनल रहता था, और ये फंक्शनल स्पोर आपका आगे जाके क्या बनाता था? एम्ब्रियो सैक, योर फीमेल गैमेट, योर ओव्यूल। कौन बना रहा था? ये आपका फंक्शनल पार्ट, ओनली एक। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, 1 mmc से हमें कितने मिले? एक ही मिला, तो 25 से हमें कितने मिलेंगे? 25 ओव्यूल मिलेंगे। अगर सेम बात आपकी, अगर मैं ओव्यूल के केस में ना बात करके अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ पोलन ग्रेन, तो वहां पर 25 माइक्रोस्पोर हो जाएंगे, 25 माइक्रोस्पोर हो जाएंगे, क्लियर। और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमें कितने पोलन ग्रेन्स मिल रहे थे? 4। यहां पर हमें 25 से कितने मिलेंगे? 4 × 25, खत्म। यहाँ पर आपको 1 से 1 मिलेगा, यहाँ पे आपको 1 से 4 मिलेंगे। ये क्वेश्चन याद रखना, 2014 में आया हुआ है, क्लियर। ओके, द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज न्यूसेलस? न्यूसेलस इज दैट रीजन ऑफ योर ओव्यूल दैट सराउंड्स योर एम्ब्रियो सैक, ठीक है, दैट रीजन ऑफ द ओव्यूल दैट सराउंड्स योर एम्ब्रियो सैक। पहली बात, एम्ब्रियो सैक को सराउंड करके रखता है। पेरेन्काइमेटल सेल्स होते हैं, पेरेन्काइमेटल सेल्स आर देयर। उसका पर्पस क्या है, फंक्शन क्या है इन सेल्स का? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्लावरिंग प्लांट्स अ माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस 4 गैमेटोफाइट व्हाइल अ मेगास्पोर मदर सेल विल ओनली फॉर्म 1 फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। इसमें यही चीज बोली गई है कि 4 आपके पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं फ्रॉम 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक से आपके कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं इन केस ऑफ मेल, ठीक है। बट सेम चीज है इन केस ऑफ फीमेल्स, हमें एक मेगास्पोर मदर सेल से एक ही फीमेल गैमेटोफाइट मिल रहा है। इसका रीजन पूछा है, अभी हमने डिस्कस किया, राइट।
कि एक मेल गैमेटोफाइट सॉरी एक मेल माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपको चार मिल रहे हैं, चार माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं और चारों कैपेबल हैं आपके पोलन ग्रेन्स बनाने के लिए। लेकिन जब हम फीमेल की बात करते हैं, फीमेल के केस में एक माइक्रो मेगास्पोर मदर सेल, एक मेगास्पोर मदर सेल आपके चार मेगास्पोर्स बना रहे हैं, पर ये चार में से तीन क्या और एक खराब हो जाते हैं, सिर्फ एक बचता है आपका। एक मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो थ्री माइटोटिक डिविजन्स, विल अंडरगो थ्री माइटोटिक डिविजन्स टू फॉर्म अ कंप्लीट ओव्यूल ऑफ कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसमें आपको इसी तरीके से आंसर लिखना है कि अ माइक्रोस्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस फोर माइक्रोस्पोर्स एंड ईच माइक्रोस्पोर इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू फोर मेल गैमेटोफाइट, वेयर एज इन केस ऑफ फीमेल्स मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस फोर मेगास्पोर्स इन विच थ्री मेगास्पोर्स विल गेट डिजनरेटेड एंड वन रिमेनिंग विल मैच्योर टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। अच्छे समझ में आ गया पार्ट? ओके, अब इन दोनों क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ये 2014 और 2017 के आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसके लिए सबसे पहले हम फीमेल गैमेटोफाइट को ड्रॉ कर देते हैं। एग, सिनर्जिट्स, सेंट्रल प्लेस्ड पोलोन्यूक्लियाई, एग सॉरी एंटीपोर्टल्स। सो दिस इज योर कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट। आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेबलिंग कर दें। एग, सिनर्जिट्स, वन सेंट्रल सेल, टू पोलर न्यूक्लियाई होते हैं एंड थ्री एंटीपोडल्स। दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। यह ओव्यूल, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है आपके, ठीक है। अब क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म अपैरेटस, वेयर व्हाट इज इट्स फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय फिलिफॉर्म अपैरेटस, व्हाट इज इट्स फंक्शन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फिलिफॉर्म अपैरेटस कहीं बनाया नहीं, आ जाओ बनाते हैं। ये बना दिए आपके फिलिफॉर्म अपैरेटस, दीज आर फिलिफॉर्म अपैरेटस, दीज आर प्रेजेंट इन द सिनर्जिट्स। इसके बारे में पॉइंट्स लिखो, दे आर प्रेजेंट इन द सिनर्जिट्स, दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन सिनर्जिट्स, प्रेजेंट इन सिनर्जिट्स। और इनका फंक्शन क्या होता है बेटा, ऑब्वियसली ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाजल एंड है, माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड। जब आपकी पोलन ट्यूब एंटर करेगी, जब आपकी पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर रही है, इस टाइप को हमने क्या बोला था, पोरोगैमी, ठीक है। तो जब इस पोलन ट्यूब एंटर कर रही है कंटेनिंग योर पोलन ग्रेन्स फॉर फर्टिलाइजेशन, ये जो फिलिफॉर्म अपैरेटस है इसके थ्रू जाएगी एग के पास फॉर फर्टिलाइजेशन। सो फिलिफॉर्म अपैरेटस इट डायरेक्ट्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स एग, ये डायरेक्ट करती है, ठीक है। फिलिफॉर्म अपैरेटस डायरेक्ट्स द पोलन ट्यूब टूवर्ड्स योर एग, ये फिलिफॉर्म अपैरेटस का काम है। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट? ओके, द लास्ट क्वेश्चन, मेंशन द प्लॉयडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन फीमेल गैमेटोफाइट। प्लॉयडी के ऊपर क्वेश्चन है, सारे सेल्स क्या होंगे, एग क्या होगा आपका, अगेन हैप्लॉइड, सिनर्जिट्स हैप्लॉइड, एंटीपोडल्स हैप्लॉइड,
इस स्टेज को, दोनों क्या होंगे आपके, दोनों सेल्स क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, तो एन प्लस एन स्टेट लिखना है इसको। इसका न्यूक्लियर डिवाइड, न्यूक्लियर आपस में फ्यूज नहीं होता है, अलग अलग रहता है, तो इसलिए इसको एन प्लस एन लिखना, इसके एन प्लस इसके एन। हम इसको कंसिडर एक सेल करेंगे, इसको हम कंसिडर एक सेल कर रहे हैं, पर यहाँ पर दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट। 2017 का क्वेश्चन है प्लॉइडी के ऊपर। प्लॉइडी आजकल सीबीएसई वालों का फेवरेट बना हुआ है, तो जो भी आप पढ़ेंगे, कोई टिश्यू पढ़ रहे हैं, कोई सेल्स पढ़ रहे हैं, किसी भी पार्ट में पढ़ रहे हैं, फीमेल पार्ट में, मेल पार्ट में, यू हैव टू रिमेंबर कि कौन सा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएगा, किसमें फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएगा, किसमें हैप्लॉइड आएगा, किसमें डिप्लॉइड आएगा। इसके ऊपर हमने वीडियो में पूरी डिटेल में बात करी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो फ्री टू आस्क मी, ओके बेबी। चलो यहाँ पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन है वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आप और क्वेश्चन के गो थ्रू जाइए, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, किसी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, किसी के क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है आपको, हम क्या लिखें इसमें, कैसे लिखें, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू एंड कीप स्टडी।